The next function, which is also a very important function, is string compare. दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना, इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को, सबको ये आसानी से, कई लोगों को समझ नहीं आता, बट मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगा, ठीक है। दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना, क्या कंपेयर करना, एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वो चेक करता है कि क्या दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। कंपेयर करेंगे, इसलिए दो स्ट्रिंग लेना ज़रूरी है। एक और स्ट्रिंग लेते हैं, इसको बिल्कुल आइडेंटिकल बनाते हैं, जस्ट str1 की आइडेंटिकल, और एक और इंटीजर लेते हैं r, जिसके अंदर रिजल्ट आएगा, ठीक है। नीचे आते हैं, अब देखिए r इक्वल टू strcmp, और ब्रैकेट्स के अंदर कौन सी दो स्ट्रिंग कंपेयर करनी है str1 कॉमा str2, ठीक है। और उसके बाद अब चेक, देखिए चेक हम बाद में करते हैं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या करता है। कंपेयर करता है पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग को, क्या वो दोनों कैरेक्टर बाय कैरेक्टर बराबर हैं। दैट मींस क्या पहला कैरेक्टर एच है तो क्या यहाँ भी एच, सॉरी कैपिटल एच है तो यहाँ भी कैपिटल एच है, क्या यहाँ पे स्मॉल ई है यहाँ भी स्मॉल ई है। मान लीजिए यहाँ पे स्मॉल एच भी होता तो भी ये इक्वल नहीं आती। अगर इक्वल आते हैं तब क्या होता है, ये असल में आप ASCII कोड्स जानते हैं क्या होते हैं, ये ASCII कोड हर कैरेक्टर के ASCII कोड का डिफरेंस कैलकुलेट करता है। H का ASCII कोड मान लीजिए, मुझे अभी ध्यान नहीं है, H का ASCII कोड मान लीजिए अगर 99 होता तो ये चेक करता है क्या इसका 99 कोड है और इसका भी अभी 99 ही होगा क्योंकि, तो क्या 99-99 इक्वल टू 0 है, ये हमेशा ही चेक करता है। जब तक अगर 0 मिल गया उसको तो ये आगे बढ़ेगा और ASCII कोड ऑफ नेक्स्ट कैरेक्टर यानी कि E-E चेक करेगा, और क्योंकि यहाँ पे सारे कैरेक्टर सिमिलर हैं तो ऑब्वियसली सबका डिफरेंस 0 आएगा। तो अगर दो स्ट्रिंग, ये सबसे ध्यान से सुनिएगा, अगर दो स्ट्रिंग्स इक्वल हैं कंपेयर करके तो उनका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे भी r की वैल्यू 0 आ गई है, वही हम चेक करेंगे। इफ़ r डबल इक्वल टू 0 देन प्रिंट एफ स्ट्रिंग्स मैच्ड, ओके, अदरवाइज एल्स प्रिंट एफ व्हाट नॉट मैच्ड, ठीक है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये हेलो है, इधर भी हेलो है, सेम केस है, इसलिए स्ट्रिंग्स मैच्ड आएगा, ठीक है। स्ट्रिंग्स मैच्ड, इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर चेंज कर देते हैं हम, इसको स्मॉल एच कर देते हैं, नॉट मैच्ड, ठीक है। और क्योंकि अगर आपको अगर डाउट हो रहा होगा कि जीरो के अलावा क्या वैल्यू आती है, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज डी आर की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। अब देखिए ऊपर कैपिटल एच है, नीचे कैपिटल आई लगा देता हूँ मैं, क्योंकि ASCII कोड इसका जो भी होगा इसका उससे एक ज़्यादा होगा, तो यानी कि डिफरेंस कितना आएगा, -1 आएगा। क्यों, ये सोर्स माइनस डेस्टिनेशन नहीं, डेस्टिनेशन माइनस सोर्स करता है। तो पहली वाली स्ट्रिंग माइनस दूसरी वाली स्ट्रिंग, str1 माइनस str2, कैपिटल एच माइनस कैपिटल आई, यहीं अगर मैं नीचे कैपिटल एच कर दूं ऊपर कैपिटल आई कर दूं तो ये 1 आ जाएगा, 1 नॉट मैच्ड। वो अजीब सा ऐसे लग रहा है क्योंकि मैंने लाइन चेंज नहीं किया, अब देखिए 1 नॉट मैच्ड, ठीक है। और यहीं अगर मैं ऊपर भी कैपिटल एच कर दूं 0 मैच्ड, क्लियर। ओके, द लास्ट फंक्शन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे, नो सॉरी नॉट द लास्ट, द सेकेंड लास्ट, स्ट्रिंग कंपेयर, ये भी स्ट्रिंग कंपेयर है बट इग्नोरिंग द केस आई, मीन्स आप देख सकते हैं ये वाला आई या फिर ये वाला आई, ये दोनों फंक्शन सिंपल हैं। आप आई या तो str के बाद आई लगा लीजिए या फिर आप cmp के बाद आई लगा लीजिए, दोनों आप कर सकते हैं। ये इसका ये देखिए सेम एज अबव, इग्नोरिंग केस, केस मीन्स अपर केस या लोअर केस, दैट मीन्स ये अपर केस और लोअर केस कैपिटल और स्मॉल दोनों को सेम ट्रीट करेगा। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सीएमपी के बाद आई लगा देते हैं, अब ये केस इग्नोर करेगा। देखिए वैसे भी चलेगा ये, 0 मैच्ड, ठीक है। मैं ऊपर एच ई एल एल ओ कैप्स में लिख देता हूँ और जस्ट उसके नीचे एच ई एल एल ओ स्मॉल में लिख देता हूँ, केस कंपेयर नहीं करेगा ये, सिर्फ कैरेक्टर कंपेयर करेगा। तो एच ई एल एल ओ एच ई एल एल ओ दैट मीन्स स्ट्रिंग मैच्ड, ठीक है।
आप आई को यहाँ भी लगा के देख सकते हैं, नो चेंज, स्ट्रिंग मैच्ड, क्लियर। नाउ द लास्ट फंक्शन इज स्ट्रिंग रिवर्स, एस टी आर मीन्स स्ट्रिंग, आर ई वी मीन्स रिवर्स। नाम से आपको पता चल रहा होगा ये स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। अगर मैंने एच ई एल एल ओ लिखा है तो आउटपुट में आएगा ओ एल एल ई एच। इसके लिए हमें दो स्ट्रिंग्स की नहीं सिर्फ एक ही स्ट्रिंग की ज़रूरत है, और दूसरी एक और एम्प्टी स्ट्रिंग की जरूरत है, कैरेक्टर एस टी आर टू दिस। इसका साइज दे देते हैं हम 20, नो नीड ऑफ इंटीजर आर, दिस नो नीड ऑफ दिस, एक्चुअली किसी चीज़ की जरूरत नहीं हमें। या नाउ एस टी आर आर ई वी, हाउ टू यूज़ दिस। हम चाहते हैं जो हमारी एस टी आर टू यानी कि ये, सॉरी दिस, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसके अंदर हम इसका उल्टा यानी कि ओ एल एल ई एच स्टोर करें। तो हम जैसा कि हमेशा करते आए हैं, एस टी आर टू टारगेट इक्वल टू एस टी आर आर ई वी स्ट्रिंग का रिवर्स, और इसके पैरामीटर्स होते हैं, क्या होते हैं, एक ही स्ट्रिंग होती है एस टी आर वन जिसका हमें उल्टा करना है, ठीक है। इसके बाद गेट सी एच नथिंग, हम प्रिंट कर देते हैं परसेंटेज एस, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग एस टी आर टू। आउटपुट स्क्रीन पे क्या आना चाहिए, आउटपुट स्क्रीन पे आना चाहिए ओ एल एल ई एच, बट ये अभी नहीं आएगा, आप देखेंगे एरर आएगी। ऑल प्लस एफ नाइन, मैं कंपाइल करता हूँ, देखिए एरर वार्निंग। वार्निंग पे मत जाइए, एरर पे जाइए, एल वैल्यू रिक्वायर्ड। ये क्या कहता है ये हम इसकी डिटेल्स पे नहीं जाते, बट ये एरर क्यों आई, ये इसलिए आई हम इस तरह एस टी आर टू, हम एक स्ट्रिंग को कभी भी एक इक्वेशन में इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं रख सकते। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, हमने कभी भी ये चीज़ नहीं यूज़ की, हम कभी भी इसको लेफ्ट हैंड साइड पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप कहेंगे कि हमने एस टी आर कैट में यूज़ किया, तो आप ध्यान रखिए हमने एस टी आर टू कॉमा एस टी आर वन इस तरह यूज़ किया है, सॉरी एम नहीं, चाहे वो स्ट्रिंग कैट हो, चाहे एस टी आर सी पी वाई हो, चाहे एस टी आर सी एम पी हो, डबल सी नहीं सिंगल सी, सॉरी दैट इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक। हमने इस तरह कभी भी, हम फिर से सुन लीजिए, कभी भी हम किसी भी स्ट्रिंग को लेफ्ट, हम ऐसा नहीं कर सकते, मान लीजिए दो हमने स्ट्रिंग ले ली, उनमें से एक एम्प्टी है, एस टी आर इक्वल टू एस टी आर टू इक्वल टू एस टी आर वन, ये कभी नहीं कर सकते हम, दैट इज रॉन्ग, ओके, ये कभी नहीं होता। एस टी आर टू इक्वल टू एस टी आर आर ई वी, और यहाँ एस टी आर वन। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको इसको कैरेक्टर एरे नहीं लेना पड़ेगा, लेना होगा आपको इसको कैरेक्टर पॉइंटर लेना पड़ेगा। पॉइंटर्स क्या होते हैं, आई एम सॉरी मैं आपको अभी नहीं बता सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये हम आपको एडवांस्ड सेक्शन में बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, आपको वहाँ समझ आएगी कि पॉइंटर्स क्या होते हैं। फिलहाल बस अभी इतना याद रखिए, जिस तरह एरे हम इनिशियलाइज, सॉरी एरे डिक्लेयर करते वक्त इसके अंदर साइज़ देते हैं, जैसे हमने एस टी आर टू में 20 दिया था, उस तरह हमें प्रोग्राम चलने से पहले बताना पड़ता है कि उसका साइज़ कितना होगा। पॉइंटर लेते वक्त हमें उसका साइज़ नहीं बताना पड़ता, हमें कुछ यहाँ पे 20 30 कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वेरिएबल नेम एंड डेटा टाइप विद दिस एस्टरिस्क, मल्टीप्लिकेशन साइन एस्टरिस्क, ठीक है। ये डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करता है उस चीज़ के लिए जो भी हम इसके लिए यूज़ करने वाले हैं, चाहे हम जितनी चाहें। तो अब आप देखेंगे, कंपाइल करता हूँ मैं, नो एरर्स नो वार्निंग्स, रन करता हूँ ओ डबल एल ई एच, ठीक है। डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए, डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए यूज़ करता हूँ, हेलो माय नेम इज़ पीयूष कुमार एक्सक्लेमेशन, रन करते हैं, राइट से पढ़िए, हेलो माय नेम इज़ पीयूष कुमार, करेक्ट। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या अगर आप किसी स्पेशल चीज़ के लिए लेक्चर चाहते हैं या कोई चीज़ छूट गई हो तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर सकते हैं। थैंक यू।